नमस्कार मैं सत्यन्द्र कुमार गवर्नमेंट आई कॉलेज बांसी डिस्ट्रिक्ट बांदा में टीचर हूं और आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आई टी आई थ्री सिक्सटी डिग्रीज़ में आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एक और नए डिस्ट्रिक्ट की जो है बात करने वाला हूं वहां पर टैबलेट का कार्यक्रम स्टार्ट हो गया है और बहुत दिनों से बच्चे कमेंट कर रहे थे तो उनके लिए आज ये सूचना आई है मेरे पास एक छात्र ने भेजी है सबसे पहले उस छात्र का बहुत बहुत धन्यवाद और अगर आपके पास भी कोई सूचना आती है तो आप मेरे चैनल मेरे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं हैं अगर आपको अभी तक आपने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लें लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है साथ में ही आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और निश्चित तौर पर आप लोग जो है इंफॉर्मेशन भेजेंगे वो मैं अपने चैनल पर दिखाऊंगा तो सभी बच्चों का उसमें भला हो पाएगा आशा करते हैं आप लोग जो है ऐसा जरूर करेंगे वीडियो स्टार्ट करते हैं यहां पर आप लोग देख सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूं जो है यहां पर आप लोग कॉलेज का नाम देख सकते हैं स्वामी देवानंद पीजी कॉलेज मठ लार देवरिया तो देवरिया के बच्चे बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि उनके लिए कुछ सुखद खबर आए तो फ़िलहाल देवरिया के बच्चों के लिए भी सुखद ख़बर आ गई है और ये कॉलेज का नाम है अभी तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ है जब एक कॉलेज में डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाता है इसका मतलब ये है कि वहाँ का जो जिला प्रशासन है वो जागृत हो गया है वो जग गया है वो जो है जल्दी ही जल्दी और भी कॉलेज की लिस्ट वो निकालेगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्वामी देव देवानंद पी कॉलेज देवरिया का है बी ए जो है वो उसके थर्ड ईयर और बी के सेकेंड ईयर को जो के छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार के अनुसार टैबलेट वितरण का काम जो है वो 30 अप्रैल 2022 को प्रातः नौ बजे से महाविद्यालय पर माननीय श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम विधायक सलेमपुर राज्य मंत्री प्रदेश जी के द्वारा किए जाने की संभावना है तो यहाँ पर जो है अभी 30 अप्रैल को यहाँ पर जो है वो टैबलेट और स्मार्टफोन मिलने वाले हैं तो जो भी यहाँ का कैंडिडेट है वो यहाँ पर अपना कॉलेज में संपर्क स्थापित कर ले कर सकता है और दूसरा यहाँ पर लिखा है कि उक्त तिथि में समस्त छात्र छात्राओं को अपना आधार कार्ड फ़ी रसीद और आईडी कार्ड और फोटो के साथ महाविद्यालय में नौ बजे उपस्थित हूँ और साथ में ही यहाँ पर जो है कॉलेज में लिस्ट चस्पा कर दी गई वहाँ चिपका दी गई है तो आप लोग कॉलेज में जाइए और अपनी लिस्ट देख लीजिए तो जो देवरिया के बच्चे बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए फ़िलहाल सुखद खबर है और देवरिया से अगर कोई अन्य कॉलेज की भी जानकारी आपके पास है तो आप मेरे व्हाट्सअप पर फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि मैं अपने चैनल से दिखाऊँ तो सभी बच्चों की मदद हो पाए आशा करते हैं आप लोग ऐसा जरूर करेंगे इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए स्टूडों बस इतना ही धन्यवाद